So hello student, myself Narender Kumar. So JEE Main ka exam abhi January mein first jo session hai wo start hone wala hai. To preparation to aapki bahut achhi hai. Isme kuch hum input dena chahte hain jisse aap apna jo score hai wo aur improve kar sakte hain aur badha sakte hain iske liye. तो वैसे तो आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. पर हर एक चैप्टर में केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैंने 2004 से लेकर के 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ किया है. मुझे कुछ की पॉइंट्स मिले हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो अक्सर जो है हर ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं. तो मैं इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद में आप लोग अपनी एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं कि कैसे मुझे जो है अपना रिवीजन शेड्यूल प्रिपेयर करना है जो NTA JEE Main 2020 एग्ज़ाम है जनवरी सेशन के लिए, और कैसे जो है मैक्सिमम मार्क्स आप केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसी से. सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, ठीक है. तो सिलेबस में ऐसा सच कुछ खास नहीं है, बट फिर भी मैं एक एम्फेसाइज करूँगा यहाँ पे कि एक बार वापस से आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो टॉपिक्स हैं नॉर्मली क्लास के अंदर उतना डिटेल में उनका डिस्कशन नहीं होता है. थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, सेल्फ स्टडी टॉपिक्स होते हैं, तो वो स्किप कर जाते हैं कुछ पॉइंट्स. तो सिलेबस को एक बार अच्छी तरीके से देखिए और फिर उसके बाद में अपनी रिविज़न स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करिए. तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये तो जो भी आप लोग जानते हो कि जो NTA JEE Main है वो बेसिकली बी टैक, बी आर्क, बी प्लानिंग वगैरह के वेरियस एग्जामिनेशन है, और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है क्लास ट्वेल्थ पर बेस, तो इसको कुछ हमें डिस्कशन नहीं करना है. ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो किस टाइप का होगा, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस. एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार जो है थोड़ा चेंज हो रहा है इसके अंदर, और दो टाइप के क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फॉर विच आंसर इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद इक्वल वेटेज टू मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो ये एक न्यू चेंज है. तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, तो उसकी भी स्ट्रेटेजी आपको प्रिपेयर करनी है. नाउ जैसे सिलेबस की मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली ये जैसे मेरे पास में मैंने जस्ट एक यहाँ से एक चैप्टर उठाया है क्लास इलेवंथ का, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बच्चों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है. वैसे NCERT में जो कंटेंट गिवन है उसी को हमें प्रिपेयर करना है, उसी की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. तो ये जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है. बहुत सारे टॉपिक्स हम क्लास में पढ़ते हैं लेकिन उसमें से कुछ जो है वो सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं होते. मे बी एडवांस के लिए होता है लेकिन JEE मेंस के लिए नहीं होता है. इसी टाइप से मैंने जैसे क्लास ट्वेल्थ का एक टॉपिक लिया है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. ये स्कूल में जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं वो क्लास इलेवंथ में, क्लास ट्वेल्थ में, उस पर बेस्ड है. तो उसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन स्ट्रॉन्ग बेस, प्रैक्टिकल क्या है, इनका प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शंस ऑफ आयोडाइड आयन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर. तो ये इनके जो की प्रिंसिपल्स हैं ये आपको स्टडी करना है. तो हम सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन JEE Main 2020. तो ये स्टोइकोमेट्री हमारा पहला पार्ट है, तो इसके अंदर जो है रिडॉक्स रिएक्शंस और नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस दोनों की जो स्टोइकोमेट्री है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन मुझे अक्सर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस पर बेस्ड मिला है, और जनरली इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर जो ये H3PO3 एक डाइप्रोटिक एसिड है इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिला. अक्सर एरर हो जाती है कि इसको ट्राइप्रोटिक कंसिडर कर लेते हैं, या बोरिक एसिड की टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमें मिल सकता है. आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, रिडॉक्स स्टोइकोमेट्री को अगर हम देखेंगे तो उस पर बेस्ड हो सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं. नाउ यहाँ पर जो हमारे पास में मोलैरिटी ऑफ किसी मिक्सचर का मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. रिलेटिव एटॉमिक मास पर बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ है. नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है. मोलर मास, यूज़ ऑफ मोलर वॉल्यूम
एट एस टी पी इन कैलकुलेशन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करना यूजिंग मोलैरिटी और मोलैरिटी को डिटरमाइन करना यूजिंग डेंसिटी. तो इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन जो है आपको स्टोइकोमेट्री पर बेस्ड मिल सकते हैं. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन इसको है. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन रोड. तो स्टोइकोमेट्री अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज करनी चाहिए. वी आर एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन स्पेशली इन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन सेक्शन जो है उसमें स्टोइकोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन जो है हो सकता है. नाउ जो सेकेंड चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है. एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एनर्जी ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और अदर मेनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के जो वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर. एंगुलर मोमेंटम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो है एंगुलर मोमेंटम हमें डिटरमाइन करना है. ये बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है. एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई पर बेस्ड है. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है. आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ डिटरमाइन करना है प्रोटोन का या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज़ करना है हमें अदर स्पीसीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए या एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए. ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल यूजिंग क्वांटम नंबर. वेरियस क्वांटम नंबर्स गिवन है और एटॉमिक ऑर्बिटल कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी डिटरमाइन करना है. और कई सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वी हैव टू कंसिडर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिक्स. लाइक सिक्स एस आ जाएगा, सिक्स पी आ जाएगा, सिक्स डी आ जाएगा. तो इस किस ऑर्डर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप होंगे. डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है यूजिंग काइनेटिक एनर्जी किसी गैस पार्टिकल के लिए या ये किसी सब एटोमिक पार्टिकल के लिए हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आइंस है. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. मीन्स डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड आपको कई सारे क्वेश्चन हैं. और इस पर अगेन जो है ये जो एटोमिक स्ट्रक्चर है इस चैप्टर में से हम न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वेरी इजी चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो है आयोनिक रेडियस का कंपेरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है. और जो ग्रुप वन एंड ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज है उनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है. हाई सिमिलरिटी इज ऑब्जर्व इन ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन देयर प्रॉपर्टीज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप यूजिंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. आयनाइजेशन एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरिन क्लोरिन एंड ऑक्सीजन. तो ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है अगेन इसमें हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सेकंड जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें आप जो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, लैटिस एनर्जी और वेरियस स्पीसीज का जो मॉलिकुलर शेप है. मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर टाइप का हो सकता है. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फजांस रूल पर बेस्ड. एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं. नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग को अगर देखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैक बॉन्डिंग इन बी एफ थ्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चरल आइसोस्ट्रक्चरल पॉलीएटॉमिक स्पीसीज. नोड्स इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है. फ्रैक्शन ऑफ चार्ज फ्रॉम डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है. इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपेरिजन हो सकता है. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन एन बॉन्ड इन हाइड्रोजन एजाइड, दैट इज रेजोनेंस का जो बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है. चेंज इन शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो किसी एटम का जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या चेंज होगा. लाइक अमोनिया एच प्लस आइन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया आइन बन जाएगा. तो इसमें अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड नाइट्रोजन का अमोनिया में उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है. रियल गैस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर आई हैव नोटिस्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल गैस इक्वेशंस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो कर्व होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पर बेस्ड क्वेश्चंस है. डॉल्टन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस है. वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी ऑफ रियल गैस. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. रेशियो ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर स्पीड्स. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्टेट्स ऑफ मैटर वाले टॉपिक में से देखने को मिलेंगे. वैन डर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर जो है उसका कैसा फॉर्म होगा. ए सिग्निफिकेंट होगा या बी सिग्निफिकेंट होगा. कौन सी टर्म इलिमिनेट हो जाएगी. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन एट हाई प्रेशर. गैस यूडियोमेट्री. आरएमएस वेलोसिटी. टेम्परेचर एंड प्रेशर. सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. बॉयल्स टेम्परेचर अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास यूजिंग वेपर डेंसिटी. तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर का जो टॉपिक है इसमें से आपको कुछ ये इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे. नाउ थर्मोडायनेमिक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस. तो इसमें नॉर्मली जो है क्वेश्चन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस. एडियाबैटिक और इसी पर बेस जनरली क्वेश्चन जो मिलते हैं. सुटेबल कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कैलकुलेशन ऑफ टी स्विच जहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है. नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस हो जाती है. फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विच इज़ एनीवे ज़ीरो. वी हैव टू आइडेंटिफाई अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अमंग्स वेरियस गिवन प्रोसेसेस. एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन. क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वर्क डन ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑफ H2O2. ये एक कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा है. नॉर्मली हम एक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. तो ये के ईयर में मुझे एक क्वेश्चन मिला जिसमें हाइड्रोजन परोक्साइड का डिसोसिएशन हो रहा है और उसमें हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो एक ये यूनिक आइडिया है. एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई एंट्रोपी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड यूजिंग फ्री एनर्जी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन. रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेसेस. तो थर्मो केमिस्ट्री भी अगेन इम्पॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन इसमें जो है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइंस पर बेस्ड आ जाता है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी का क्या यूज़ है एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. अक्सर एक क्वेश्चन हमें मिलता है जिसमें किसी एक रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज को रिलेट करना होता है, ठीक है. और कभी कभी जो है ये लाइक जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया एक ईयर के अंदर मिला है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अप्लाई करके हम बता सकते हैं. एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन यूजिंग मोलर हीट कैपेसिटी. केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अक्सर क्वेश्चन जो है आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड मिलेंगे. सो इसके अंदर एक क्वेश्चन अक्सर मिलता है व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर के इक्विलिब्रियम फॉर हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस है और सॉलिड लिक्विड है. तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के एक्सप्रेशन में कौन इंक्लूड होगा कौन इंक्लूड नहीं होगा. रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. एडिशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस करेंगे तो रिजल्टिंग रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा. ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. ये जो हमारे पास में एलएन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्सेस टी के अंदर अगर हम कर प्लॉट करेंगे 1/T के बीच में इजीली कर प्लॉट कर सकते हैं. के पी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस और हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना वेरियस स्पीसीज का इक्विलिब्रियम पर. टोटल प्रेशर इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया पे. ये जो है इस कैटेगरी पर बेस्ड मुझे क्वेश्चंस 2-3 बार क्वेश्चन मिला है. और वेरियस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है. और ये जो हमारे पास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आइस वाटर इक्विलिब्रियम क्या है. इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी फाइंड आउट करना है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड
स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एटसेट्रा. आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन के लिए एज वेल एज फॉर मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन के लिए. तो क्लास इलेवेंथ में थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, एक गिवन स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस आइडेंटिफाई करना है. एंड एक्सप्रेशन ऑफ के एस पी फॉर ए सॉल्ट, कोई सॉल्ट गिवन है उसके के एस पी का एक्सप्रेशन क्या होगा. कैलकुलेशन फॉर सोल्युबिलिटी यूजिंग के एस पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन यूजिंग पी एच, पी एच गिवन एक सोल्यूशन का उसमें एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. एसिडिक बफर का पी एच डिटरमाइन करना है या बेसिक बफर का पी एच डिटरमाइन करना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन पी एच ऑफ एसिडिक बफर. And what is the overall dissociation constant of a diprotic acid and triprotic acid using their successive dissociation constants? pH find out karna ek salt ka, especially made up of weak acid and weak base, and what are the suitable conditions for precipitation of salt? To ye is type se jo hamare paas mein various concepts hai, in par based questions hame aksar milte hain. Fir ye ionization of phosphoric acid par based questions hai, and concentration of various species present in aqueous solution of carbonic acid पर भी इस क्वेश्चन से ये आप देखेंगे तो NCERT के अंदर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वहीं से एक आइडिया एग्जामिनर ने पिकअप किया और एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया. एंड वेरियस कॉन्जुगेट बेसिस की बेसिसिटी का जो ऑर्डर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है मिलते हैं. एंड सोल्युबिलिटी इन सोल्यूशन हैविंग कॉमन आयन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्टरनेट ईयर में जो है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको मिलेगा कि सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सिल्वर नाइट्रेट में फाइंड आउट करनी है. एंड डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड यूजिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, एसिड और बेस का मिक्सचर है उसका पीएच फाइंड आउट करना है, मीन्स यहाँ पे अगेन जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री एज वेल एज जो आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है उसको मिक्सअप करके क्वेश्चंस बन रहा है. सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट तो आई गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स का आइडेंटिफिकेशन करना हमें. तो ये इस टाइप से जो है आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा आ गया. अब ये जो क्लास इलेवेंथ के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको विद्यामंदिर क्लासेज में हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. सो इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है मुझे मिला जो वेरियस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड, एक जैसे प्रैक्टिकल का पार्ट मैंने आपको बताया था तो उसमें केमिकल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाइंड आउट करना है, जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. अगेन इस मेथड पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेल्डाल मेथड पर. और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीजो आइसोमर्स आइडेंटिफाई करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करना है, काइरल कंपाउंड्स फाइंड आउट करना है, ये एवरी ईयर यू विल नोटिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. फ्री रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, 2-3 डाइक्लोरोब्यूटेन के जो वेरियस आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल, एंड रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, काइरल कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इट्स अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट, एक ईयर में आपको ये क्वेश्चन जो है मिलेगा. आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, आरएस कॉन्फिगरेशन ऑफ टार्टरिक एसिड, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन आईयूपीएसी नेमिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग बोथ, मीन्स एक कंपाउंड गिवन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है स्टीरियोजेनिक और काइरल कार्बन एटम भी है, मीन्स इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये जो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्पेशली आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है, इस पर बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ब्रांच्ड एल्केन का आईपैक नेम फाइंड आउट करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन, एक ईयर के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि जो एलीन है सब्सिट्यूटेड एलीन बेसिकली डाई सब्सिट्यूटेड एलीन, तो उसके अंदर जो है आपको डिसिमेट्री की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है,
फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा डाई सब्सिट्यूटेड बेंजीन. ये बहुत मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस केस. अक्सर क्वेश्चन जो है बच्चों के गलत हो जाते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस करिए आप. एंड अगेन वी हैव टू डिस्कस द केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर यूजिंग लेसानिस टेस्ट. अगेन इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स फॉर ए गिवन कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14 एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थोमेटा एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन. तो ये डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नियोपेंटाइल एंड विनाइल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन हैविंग 7 कार्बन एटम. तो ये जो सिंपल एक हाइड्रोकार्बन के अंदर वेरियस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए. नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ है लेसानिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेलोजन इन लेसानिस टेस्ट. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्रोमेटोग्राफी को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिए. एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई सुटेबल डबल बॉन्ड दैट कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी का जो एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मिक्सचर है उसका सेपरेशन यूजिंग डिस्टिलेशन मेथड, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकता है. तो ये इस टाइप से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिलेंगे. हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखते हैं तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-methylbutane और क्लोरिनेशन रिएक्शन क्लोरिनेशन ऑफ 2-methylbutane, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. 2-methylbutane और ब्यूटेन के हेलोजिनेशन पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं. ब्यूटाडाइन का जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पर 1,4-1,2-, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मोनोहेलो प्रोडक्ट इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये बताया था. एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से क्या प्रोडक्ट बनेगा. 2-bromobutane का जो एलिमिनेशन है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस है. टॉलुइन का जो क्लोरिनेशन है FeCl3 की प्रेजेंस में. साइड चेन का जो ऑक्सीडेशन होता है एरिन के अंदर, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन नोटिस किए मैंने. रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड थे और भी एक्सपेक्टेड है. वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग questions numerical type from hydrocarbon also. So reaction of terminal alkyne with Grignard reagent क्या होगा. Ozonolysis of symmetrical alkene, chiral compound formed on monochlorination of 2-methylbutane, पहले भी आया फिर आ गया यहाँ पे. Number of mono substituted alkyl halide find out करना है. 2-hexyne को trans 2-hexene में convert करना है, reagent क्या है. तो ये hexyne की जो chemistry है वो important है. Kolbe's electrolysis, addition of पोलर रिएजेंट DCl on alkene, साइक्लोएल्कीन रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्कीन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सुटेबल रिएजेंट फॉर इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी हैलाइड, हैलाइड दैट डोंट गिव फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन विद बेंजीन, विनाइल हैलाइड एराइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन विद सोडियम कार्बोनेट. साइक्लोपेंटाडाइन एक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन एसिड है, तो ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है इजीली बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक. तो इस रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है फ्री रेडिकल एलाइलिक ब्रोमिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस ब्यूटीन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस. अब ये क्लास 11th में जो आपका हाइड्रोजन है अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. वाटर गैस से कैसे बनाते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हार्डनेस पर बेस्ड क्वेश्चन है. अगेन यू कैन फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर और जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ है, हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज़ है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं, जो वेरियस कंपाउंड्स की जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो कुछ कंपाउंड्स का जो हाइड्रोलिसिस है, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस है, ये इस टाइप से. डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम इन गैस फेज इन सॉलिड फेज, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फरस सल्फर हेलोजन, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप सेकेंड, कोवलेंट नेचर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हेलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड बाई एल्कली मेटल्स, नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2,
क्लास इलेवेंथ के अंदर जो पी ब्लॉक है अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो और इसके अंदर जो है अगेन जो है हम मल्टीपल चॉइस करेक्ट टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करो, नंबर ऑफ लॉन पेयर आइडेंटिफाई करो किसी मॉलिक्यूल के अंदर. सो स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3 पर बेस्ड क्वेश्चन है, और टिन्स के जो एलोट्रॉप्स हैं, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड को हीट करने से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑब्टेंड होगा या नहीं होगा, ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है. डाइबोरिन के स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड भी क्वेश्चन मिलता है. स्टेबिलिटी ऑफ डाईहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14, इनर्ट पेयर इफेक्ट का यूज यहाँ पे होता है तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेगा. बोरिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं. तो पी ब्लॉक अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ +1 एंड +3 स्टेट्स फॉर एल्यूमिनियम एंड थैलियम यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो ये जो NCERT के अंदर आप देखेंगे तो एक टेबल दे रखा होता है, टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, इन इंफॉर्मेशंस को ऑब्जर्व करो. रिएक्शन ऑफ SiCl4 विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 हैलाइड्स, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो इनकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो स्मोक है, कॉजेज ऑफ स्मोक, टाइप्स ऑफ स्मोक, कंपोजिशन ऑफ स्मोक, फोटोकेमिकल्स स्मोक, क्लासिकल स्मोक, ये इंपॉर्टेंट है. CFCs एंड इफेक्ट ऑफ CFCs ऑन ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, pH ऑफ एसिड रेन क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है वाटर के लिए, पॉल्यूटेड वाटर, क्लीन वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, मेटल आयन एनायन प्रेजेंट इन वाटर, सो यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई क्लीनिंग टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलर्ड एंड लस्टरनेस नेचर ऑफ ताज, ग्रीन हाउस गैसेज, इफेक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनॉर्मिक. तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है. आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. नाउ क्लास 12th में अगर हम देखेंगे तो ये क्लास 12th के अंदर सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इस पर बेस्ड. तो डिफेक्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड पर बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कैटाइन और एनायन की पोजीशंस दे रखी होगी. एक FCC सॉलिड के अंदर सारे एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये क्वेश्चन मिला, इस टाइप के आइडियाज़ हैं. रेडियस और एज लेंथ पे रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, वॉइड फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड का कंपोजिशन फाइंड आउट करने पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको मैग्नेटिक मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट. लिक्विड सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन पर बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस मिले, और यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी हैव टू डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस, suitable conditions for positive deviations, which solutions undergoes positive deviation from Raoult's law, colligative properties of solutions पे questions है, Wonta factor पे कई सारे questions हैं, vapors, दो volatile liquid की vapors का composition find out करना है, molality of solution using density determine करना है, vapor pressure of solution determine करना है, osmotic pressure of isotonic solutions determine करना है. तो ये ऐसे इस type से कई सारे questions liquid solutions पर देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिटरमाइन करना है यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर, कंपैरिजन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड बाय क्रायोस्कोपी. एसिड्स जब बेंजीन वगैरह में डिजोल्व करते हैं तो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मोल फ्रैक्शन इन बाइनरी मिक्सचर यूजिंग वेपर प्रेशर. तो ये जो है हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन हो गया. इसके बाद में हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इट्स रेट एक्सप्रेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं.
रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर रिएक्शंस, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर बेस्ड क्वेश्चंस है, हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिला है, और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. और फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, किसी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी, हाउ टू डिटरमाइन टाइम फॉर 1/4 कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1/8 कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एल्फा एंड बीटा पार्टिकल इन रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशन को यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन करना है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है यूजिंग मैकेनिज्म, ऑर्डर को यूज़ करके किसी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट डिटरमाइन करना है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. एक क्वेश्चन अक्सर मिलता है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपियरेंस पर बेस्ड, टाइम फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस है. और ये जो चैप्टर है इसमें हम मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड. नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th का टॉपिक है. सो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल, और हाइड्रोजन के चैप्टर में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. ई सेल डिटरमाइन करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन डिटरमाइन करना, कॉलरॉस लॉ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. किसी सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. केएसपी डिटरमाइन करना है यूजिंग मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल. मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी यूजिंग रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, और किसी रिएक्शन का जो है रिएक्शन कोशेंट डिटरमाइन करना है यूजिंग ई सेल. एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ रिडॉक्स हाफ सेल यूजिंग मेटल मेटल आयन हाफ सेल. फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड यूजिंग सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, पीएच गिवन होगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को यूज़ करके हमें ये डिटरमाइन करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन होता है. मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करना है, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन एंड इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या रिलेशन है. कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, एनोड की पोलैरिटी क्या है, कैथोड की पोलैरिटी क्या है. ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयन बाय परमैग्नेट यूजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सो विच हैलाइड विल गेट ऑक्सीडाइज बाय परमैग्नेट आयन. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सक्सीनेट आयन एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज इवॉल्व. ये जो एल्कीन और एल्केन की प्रिपरेशन में जो हम करते हैं कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये उस पर बेस्ड है. कोरोजन अगेन एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है. सरफेस केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक, ये मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चंस, तो ये एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स पर हो सकते हैं, कौन सा एंजाइम किस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ क्या है, कोलाइड्स को कैसे कोगुलेट करते हैं, एंड लैंगमुयर मॉडल ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, गोल्ड नंबर एंड देयर प्रोटेक्टिव पावर में क्या रिलेशन है. तो ये वेरियस कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सरफेस केमिस्ट्री के लिए. एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक कर्व दे रखा होगा, स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ लॉग एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी, और उसके अंदर स्लोप की वैल्यू हमें बतानी होगी क्या होगी, स्लोप डिटरमाइन करना है. तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ अब जो हमारा 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो पहला पार्ट होता है हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक हैलाइड, तो इसमें जो है प्रिपरेशन एंड यूजेस एंड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑफ डीडीटी, डीडीटी का प्रिपरेशन क्या है, डीडीटी का फॉर्मूला क्या है, डीडीटी के यूजेस क्या है, और डीडीटी का जो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. SN1 एंड SN2 पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक हैलाइड पर, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जनरली ऑर्गेनिक हैलाइड चैप्टर से ही आते हैं.
सो वेरियस टाइप के जो हैलाइड्स है, जेम डाई हैलाइड, विशिनल डाई हैलाइड, इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, ट्राई हेलो एल्केन की रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, आयोडोफॉर्म रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स को अगर देखते हैं तो इसके अंदर एक क्वेश्चन अक्सर मिलता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड एल्कोहल, जिसमें एक ऐसा रिएजेंट यूज करना है जिसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो बट एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाए, रिमर्टिमन रिएक्शन ऑफ पैराक्रिसोल के अंदर स्पेशली जो है एग्जामिनर जानना चाहता है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, विनाइल ईथर्स की HBr के साथ रिएक्शन या HI के साथ रिएक्शंस, विनाइल ईथर के बदले में फिनोलिक ईथर्स हो सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, मेटाक्रिसोल की एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस जिसके अंदर ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ब्रोमिनेशन यूजिंग Br2 एंड KBrO3 ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स, ये ब्रोमिनेटिंग, ये Br2 हो सकता है या KBrO3 हो सकता है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप वेरियस कंपाउंड्स ऑफ फिनॉल, पिक्रिक एसिड, एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर आप देखेंगे और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड है, ल्यूकास रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, सब्सिट्यूटेड फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, कोलबेज रिएक्शन इन प्रिपरेशन ऑफ एस्प्रिन, यूजेज ऑफ एस्प्रिन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय PCC, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ टर्ट एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्शरी एल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन, सो अगेन एल्कोहल फिनॉल ईथर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्लेमेंशन रिडक्शंस एंड सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शन ऑफ कीटोन विद सेकेंडरी अमीन टू फॉर्म इनामीन, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ वेरियस कार्बोनिल कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका कौन सा है, ऑर्डर क्या है कैनिजारो रिएक्शन का, क्लेमेंशन रिडक्शन ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डोल कंडेंसेशन के सारे जो वर्जन है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिटल्डिहाइड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रिटॉल बाय एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और फिर कैनिजारो रिएक्शन होने लगेगा, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, इसमें आपको जो एसिडिटी ऑफ एसिड्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ पे जो हेल वोलार्ड जेलिंस की टाइप रिएक्शन है, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या जो वेरियस टाइप के ऐसे डेरिवेटिव होते हैं उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स एंड साइनाइड्स टू एल्कोहल एंड एल्डिहाइड बाय यूजिंग डाइबल एच और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबल एच एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अमाइंस में अगर हम देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एरोफेटिक एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स, होमोसाइक्लिक अमीन, हिट्रोसाइक्लिक अमीन्स इन एक्वस फेज एंड इन गैस फेज, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बिल अमीन रिएक्शन, वी हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए पॉली अमीनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बिल अमीन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ PKBs, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, लीस्ट बेसिक नाइट्रोजन एटम इन ग्वाइनिन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, तो मेनली यहाँ पे जो है बेसिक नेचर पर बेस्ड हमें क्वेश्चन मिल रहा है, अगेन बायोमोलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस फाउंड इन RNA एंड DNA, बॉन्ड एंड बेस एंड फॉस्फेट लिंकेज बिटवीन विच ग्रुप्स इन RNA एंड DNA, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, नेम ऑफ पायरीमिडिन बेस इन DNA,
secondary structure of protein, functional group of carbohydrates, ATP, number of ATPs produced during photosynthesis, again various type of bases found in DNA, RNA, which base is not found in DNA, hydrolysis of starch, isoelectric point of aspartic acid, essential amino acids identify karne, reactions of pentacetate of glucose, compounds that exist in sweeterionic form, structure of maltose, lactose, sucrose, amylose, galactose, inper based questions hai. Three letter symbol of amino acids ki chemistry per based symbol hai. Questions jo in symbol per based questions mil sakte hain. Now polymers chemistry involved in practicals ko agar dekhenge to polyamides, fluorinated polymers identify karna hai, biurate test kya hota hai, preparation of bakelite per based questions hai, Buna N co polymer iske monomers identify karne hain, मॉलिस टेस्ट एंड अदर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इसका एक वीडियो होगा मेरा यूट्यूब VMC के यूट्यूब चैनल पे ही है, उसको आप देखिए, सारे केमिकल टेस्ट जो है इसमें मेंशन है. कैटायनिक पॉलीमराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर ऑफ नियोपिन पॉलीमर, प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायन यूजिंग H2S, वी हैव टू आइडेंटिफाई अ पिंक कलर्ड सॉल्ट, अ सॉल्ट दैट टर्न्स पिंक ऑन हीटिंग. तो ये इस टाइप से जो सॉल्ट के कलर्स हैं इन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं. Example of polymer that is synthesized by free radical polymerization, Riemann's purple test जो है, identification of fourth group radicals, separation of mixture of organic compounds by solvent extraction, biodegradable polymer identify करना है. तो ये कई type के questions जो है polymer के chapters पर based हो सकते हैं. इसमें standard solutions जो use करते हैं, primary standard, secondary standard, उन पर based questions हो सकता है. नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो पी ब्लॉक क्लास 12th का अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन जो है उनका ऑर्डर क्या है, ग्रुप 18th एलिमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, यूजेज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, सूडो हेलाइड आइन जो है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फरस एसिड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चंस, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कैलोमल, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वेरियस कंपाउंड्स की जो होती है, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, फर्टिलाइजर के जो यूजेज हैं, तो ये आप देखेंगे, मैग्नेटिक नेचर ऑफ S2NS8, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो वेरी लॉन्ग लिस्ट इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12th. देखिए अगेन आपको जो है बार बार क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए मुझे दो तीन बार क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंज है. पहले S2 और S8 पर बेस था, अब ये S6 को भी इंक्लूड कर लिया गया है. PP बॉन्ड इन ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फरस, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन ये आया, देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, स्ट्रक्चर एंड ऑक्सो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स इन P406, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इन कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन एंड ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चंस मिलता है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ईज ऑफ ऑक्सीडेशन फ्रॉम +2 to +3, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरियम, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट, consequences of lanthanide contraction, cause of lanthanide contraction, maximum possible value of oxidation state of actinoids or reason for large number of oxidation state of actinoids, oxidizing power of kaminophore in acidic medium, use of HCl or H2SO4 for acidification of kaminophore solution, oxidation state of transition metals, standard reduction potential, order of standard reduction potential for M2+2M for first row element of D block, electronic configuration of ZD, properties of ferric and ferrous, stability of chromium 2+, copper+1 and Mn3+ in aqueous phase, highest oxidation state of transition metal, reaction of di positive ion with dilute acid to liberate hydrogen gas. तो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. मेटलर्जी में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है,
ये जो है वेरियस मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग पे हो सकता है, वेरियस मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर हो सकता है, या रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पर बेस्ड हो सकता है, ये टाइप ऑफ ओर पर बेस्ड हो सकता है, ये एलिंगम डायग्राम का जो यूज़ है एक्सट्रैक्शन में उस पर बेस्ड हो सकता है। तो मेटलर्जी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म पर बेस्ड और बॉन्डिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन में से अक्सर आता है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड आ सकता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म पर हो सकता है, कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन एक्सट्रैक्शन, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन बायोलॉजी, रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म AgCl, जो आयोनाइजेबल क्लोराइड आयन जिसमें होगा उसकी रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन टर्म्स ऑफ T2Z एंड Ez, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ हारमोन, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एक हारमोन है, अदर जो हारमोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन, यूजेज ऑफ एस्प्रिन पे क्वेश्चन हो सकते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई ए स्वीटनर कंटेनिंग क्लोरीन, नेम गिवन होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, सुक्रालोज, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैविंग हाइएस्ट स्वीटनेस इन कंपेरिजन टू केन सुगर, एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियसाइडल एंटीबायोटिक, ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड्स। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब ये जैसे मैंने बार बीच में बताया था आपको कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन जो हैं वो इस टाइप ऐड हुए हैं, तो उसमें NTA ने एक सैम्पल रिलीज़ किया है, तो सैम्पल के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस देखे। जैसे पहले ये हार्डनेस पर एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, फिर ये जो है टाइट्रेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है हमें अक्सर मिलता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द मेजर प्रोडक्ट पी इज़, तो आपको आइडेंटिफाई करना है एक प्रोडक्ट पी क्या बन रहा है और उसमें जो है हमें कार्बन का परसेंटेज बाय मास डिटरमाइन करना है, एंड द नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन क्लोरीनेशन ऑफ 2-methyl butane। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। तो ये जो है इस टाइप से हमने देखा है कि एक केमिस्ट्री का पार्ट अगर देखते हैं तो बहुत इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, हाईली स्कोरिंग पार्ट है, बस एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है आपको रिवीजन के लिए। स्पेशली आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे टॉपिक की प्रैक्टिस कर रखी है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से आते हैं, ठीक है, तो आप रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से एक बार NCERT को आपको ज़रूर पढ़ना है, हर चैप्टर को उसके क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। जो विद्यामंदिर क्लासेस का जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल, दैट इज़ वेरी गुड, आप उसको उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं, और जनवरी के एग्ज़ाम्स के लिए जो है अगेन ऑल दी बेस्ट फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।